एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो सीमा ऑफिशियल की जानिब से आप सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं, जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप सबको सीमा ऑफिशियल की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत मसरूफ रहा माशाल्लाह। सारे दोस्तों की, सारे लोगों की आमद रही, बहुत ज्यादा दावत में बिजी दिन रहा ये, क्योंकि आना जाना लगा हुआ था, दावतों का सिलसिला चल रहा था। तो अब हम आपके साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे कि हम अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स के साथ हमने थोड़ी सी खुशियाँ उनके साथ भी सेलिब्रेट करनी है, उनके साथ भी शेयर करना है मीठा मीठा मजेदार सा शेर खुरमा और थोड़ी सी खाने की चीजें। तो इस टाइम सीमा ऑफिशियल हमारे साथ रहिएगा, हम दिखाते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर सेलिब्रेट तो करते ही है, अपने नेबर्स के साथ भी हम जो है वो खुशियाँ जो है थोड़ी सी सेलिब्रेट करेंगे। सो स्टे विद सीमा ऑफिशियल, हमारे साथ ही रहिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं एक बार फिर से, आप सबको हैप्पी ईद, दिली ईद मुबारक फ्रॉम सीमा ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बड़ी मज़ेदार चीज़ें जो हैं वो पैक करनी है अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने नेबर्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने हलीम ही को पैक करना शुरू किया है। हमने बहुत कुछ बनाया था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हलीम पर जो है उसके लवाजमात मैं यहाँ पर गार्निशिंग कर रही हूँ, कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और लेमन के साथ, मसालों के साथ। तो ये मज़ेदार सी हलीम भी पैक हो रही है हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए। और भी बहुत कुछ मैंने बनाया है यहाँ पर, हलीम बनाई है, बिरयानी बनाई है, शीर खुरमा, कीमा, और जी जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं केक हमारे पास होगा भी, गुलाब जामुन। तो ये देखें, यहाँ पर हमने इस तरह से बड़े सारे पैकेट जो हैं वो तैयार करने हैं अपने नेबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। ईद का मौका ही ऐसा होता है कि आप बड़ी सारी चीज़ें बनाते हैं जो अपने मेहमानों के लिए अपने, तो आपको दिल करता है कि आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ। तो पाकिस्तान में तो ये होता है कि आप ज़रूर जो हैं आपके बड़े फ्रेंड्स के साथ आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी शेयर करनी होती हैं। यहाँ पर भी माशाल्लाह यही सीन है कि आप मज़ेदार पकवान घर में बनाते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं और आप भी जाते हैं, और अपने नेबर्स वगैरह में भी हम ये ज़रूर शेयर करते हैं। तो बहुत ये एक अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, बहुत मज़ा आता है। ईद भी हमने यहाँ पे बहुत मज़ेदार तरीके से सेलिब्रेट की है, बड़ी सारी चीज़ें बनाई हैं फ्रेंड्स वगैरह का, सारे गेस्ट जो थे हमारे उनकी आमद लगी हुई थी सुबह से। तो अब ये शाम का वक्त है जब मैं ये सारी चीज़ें जो है पैक करने लगी हूँ सबके लिए। तो ये हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो ये देखें, मज़ेदार सा शीर खुरमा आपको नज़र आ रहा होगा, और ये भी हम जो है इसे भी पैक कर रहे हैं। यकीनन ईद का जो दिन होता है उसमें तो यकीनन हर कोई शीर खुरमा अपने अपने तरीके से बनाता है। तो अगर मैंने शायद अभी तक नहीं किया है शेयर, तो आपके साथ ज़रूर इस मज़ेदार से शीर खुरमे की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें जनाब, इस तरह के मैंने बड़े सारे पैकेट जो हैं वो बनाए हैं, इस तरह के डब्बे तैयार किए हैं, ताकि हम जो हैं ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स, ये देखें आप फ्रेंड्स, गुलाब जामुन, मज़ेदार से गुलाब जामुन। तो ये भी हम निकाल लेंगे, इसे भी हम तीन चार करके पैक करेंगे, ताकि ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ शेयर करें, अपनी खुशियां बांटें। तो ये मैं यहाँ से तकरीबन सारी चीज़ें अभी हटा रही हूँ, ताकि दूसरी चीज़ें रख सकूँ, और फिर मैं सारी चीज़ों को जो है वो पैक कर सकूँ, और फिर आपके साथ ही हम इसे देने जाएंगे अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स के घर पर। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये सबसे स्पेशलिटी ईद की क्या होती है? जी हाँ, ईदी। तो ये बच्चों के लिए हमने थोड़ी सी ईदी जो है यहाँ पर एनवलप में डाल ली है, ताकि हम छोटे बच्चों की तो खुशी ही सारी ईद की जो है वो ईदी में होती है। हम भी जब बच्चे थे तो सबकी यही होती थी कि जी कितनी ईदी मिल रही है, क्या है, सब काउंट करने बैठते थे। तो अभी हमने यहाँ पर एक बच्चों की ईदी का एनवलप भी इस तरह से बना लिया है। और जनाब ये हम ये देखें, इतना खूबसूरत सा प्यारा सा ये लिफाफा ईदी का बच्चों के लिए। और यहाँ पर अब हमने, और ये हमारे आ गए हैं रियो साहब माशाल्लाह, और इन्होंने ईदी पकड़ ली है, ये नहीं देना चाहते ईदी। और आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने लिफाफे को पकड़ लिया है, और ये अब ईदी को छोड़ना नहीं चाहते, इनको भी ईदी चाहिए।
ये हमारे घर की रौनक है माशाल्लाह रियो साहब, जिनकी मैं अक्सर व बेशतर वीडियोस जो हैं वो डालती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ। तो ये जनाब, तो अब ये है कि हम यहाँ पर सारी चीज़ें जो है पैक कर लेंगे, सारी चीज़ों को एक तरफ रख के, और फिर सबके पैकेट्स बना बना के अपने नेबर्स अपने फ्रेंड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके साथ ही। तो ये मज़ेदार सी हलीम बिरयानी, बाकी की सारी चीज़ें, कीमा, केक, गुलाब जामुन, एवरीथिंग माशाल्लाह माशाल्लाह सब तैयार है, पैक है। अब हम इसे डाल देते हैं एक, या तो हम शॉपर ले लें या इस तरह का कोई गिफ्ट पैक ले लें जिसमें इजी होगा कैरी करना। तो ये है आज की वीडियो जो हमने बनाई है, छोटी सी आपके साथ शेयर किया है ये मोमेंट कि हमने ईद में क्या क्या चीज़ें बनाई थी, किस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर किया है सारा कुछ। और जनाब आपको मैं बताती चलूँ कि अब यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें रख चुके हैं यहाँ पर, और अब हम निकलेंगे यहाँ से अब सबके घर की तरफ ताकि उन सबको हम ये दे सकें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इसे ख़राब कहूँ या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कहूँ, क्योंकि यहाँ पर हो रही है मुसलसल मुसलसल बारिश। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और ये है एक नेबर हमारे, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो इनके घर हमने दिया है यहाँ पर, और मुसलसल मुसलसल बारिश हो रही है, ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। बस इसी हालत में जो है हमने फिर भी हार नहीं मानी और अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्रेंड्स के घर पहुँच पहुँच कर जो है माशाल्लाह सबके साथ जो है शेयर किया है ये ईद की खुशियाँ, ये ईद का जो कहना चाहिए ईद की एक सौगात होती है, ये सारी चीज़ें जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो बट ये है कि माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह सबको हमने ये अपनी खुशियों में शरीक किया और हमने सबके साथ ये सारी चीज़ें बांटी हैं। अब लेट्स सी, इनका फीडबैक ज़रूर लेंगे और आपको बताएंगे कि ज़रूर कि इनको कैसी लगी सारी चीज़ें। जैसी वैसे खैर मुझे मैसेज जो है वो रिसीव हो गया था कि माशाल्लाह उनको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली सब ने टेस्ट किया फ़ौरन, और फिर फ़ौरन मेरे पास सारे मैसेजेस आने लग गए थे, उन सबको ये खाना बहुत पसंद आया। तो ये एक और फ्रेंड है, इनका घर है, यहाँ पर भी हमने जो है देना है खाना, ये सारा फूड जो है इनसे भी हमने शेयर किया। तो माशाल्लाह अब ये है कि इसी बारिश में आप देख सकते हैं कि हमने जो है अपने सारे फ्रेंड्स को याद रखा, और जनाब अपने फ्रेंड्स को हम ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद हम घर की तरफ रुख कर रहे हैं। मुसलसल बारिश हो रही है और ये बारिश जो है सुबह या दोपहर तक मुसलसल होने वाली है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और उसका जो सिलसिला है वो कल दोपहर तक होने वाला है इसी तरीके से। बट एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अब मुझे इजाज़त दें, ज़रूर बताइएगा कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी, किस तरह से गुजरी, ज़रूर शेयर कीजिएगा। बनाना सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। जो प्यार हमने जो ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की हैं, शेयर किया है अपने फ्रेंड्स के साथ अपने नेबर्स के साथ, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल सकें, व्लॉग्स मिल सकें, रेसिपीज़ मिल सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, ईद का बहुत अच्छी आपने सेलिब्रेशन की होगी, और इस वीडियो को जरूर देख के जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करें। आप सब जरूर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने सीमा ऑफिशियल को जरूर इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे यहाँ दें इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी मैं एक आपको नई मजेदार सी रेसिपी के साथ या फिर इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह से सपोर्ट और प्यार देते रहें सीमा ऑफिशियल को। वी लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नए मजेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।